हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। लीनियर इक्वेशन की नाइन्थ वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन वर्ड्स प्रॉब्लम के एक और तरीके के सवाल। इससे पहले कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और उसमें हमने देखे थे पेन, पेंसिल, कुर्सी, चेयर, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब आगे देखेंगे कुछ और संख्याओं वाले प्रश्नों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस फाइंड द नंबर। कैसे निकालेंगे आप इसको? लेट करेंगे सबसे पहले, टू नंबर्स जो हैं वो हैं आपके x एंड y, ठीक है। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब यहां से इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या की है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना 8 है। तो x प्लस y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी कि उनके डिफरेंस से x माइनस वाई से x प्लस वाई जो है वो 4 टाइम्स है, यानी इसको 4 टाइम्स कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x माइनस के 4y। तो यहाँ से 4x माइनस x हो जाएगा तो इधर 3x बचेगा और y इधर आ जाएगा तो इक्वल्स टू 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू लगा लीजिए x की चाहो तो 3 और 8 माइनस y इक्वल्स टू 5y। सॉल्व कर लीजिए इसको भी। क्या करा है मैंने, वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन फर्स्ट से x की, ठीक है, 8 माइनस वाई। तो 24 माइनस 3y इक्वल्स टू 5y, 8y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 और y की वैल्यू हो गई 3, 8 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई है और x की वैल्यू को पुट इन फर्स्ट में करेंगे y की वैल्यू को तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब वो संख्या कौन कौन सी हैं, 3 और 5 हैं। अगर इनको हम जोड़ दें तो वो कितना होता है, 8 होता है और इनका जो जोड़ है वो इनके डिफरेंस का 4 टाइम्स है। डिफरेंस होगा इनका 2 और उसका जो योग है जो 8 है वो कितना है उसका 4 टाइम्स है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसी प्रकार से हम नंबर्स के पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसमें, और हम आगे से क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। बाकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना वो आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, और सही प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर। देखिए ये जब 2-डिजिट नंबर कह दिया जाएगा तब आपको क्या करना है, लेट, ये समझिए ध्यान से, लेट करेंगे और मैं आपको उससे आगे भी बता दूंगा। जब भी कोई 2-डिजिट नंबर कहा जाएगा तो लेट 2-डिजिट नंबर इज, ऐसा नहीं कि ये फिक्स मैं बता रहा हूं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 10x प्लस वाई, जिसका यूनिट प्लेस कहलाता है वाई और टेंस डिजिट कहलाता है एक्स। आपको अगर कभी 3-डिजिट की भी नंबर माननी हो तो आप 3-डिजिट की नंबर कैसे मानेंगे, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। 3-डिजिट की नंबर आप मानेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये सब जो हम नंबर सिस्टम सीखते हैं ये वहीं से आ रहा है, ये यूनिट प्लेस तो उसके साथ कोई डिजिट नहीं है, ये टेंस प्लेस तो उसके साथ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये 100 प्लेस तो उसके साथ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इस तरीके से लेट की जाती हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कंडीशंस को फिट बैठाते चलिए। उन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 13, यानी कि कौन सी डिजिट है हमारे पास, एक्स एंड वाई, डिजिट एक्स एंड वाई ही है, 10x मत लीजिएगा कभी भी, 10x सिर्फ ये शो कर रहा है कि एक्स जो है वो 10 डिजिट है, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ दे द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑप्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द रिजल्ट इज 45। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं y को x की जगह पर और x को y की जगह पर तो बनने वाली जो नंबर होगी वो होगी 10y प्लस x, ठीक है। फिर से प्रश्न पढ़िए, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑप्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर इस नंबर को जो कि 10x प्लस y आपने माना था, इस नंबर को उन नंबर्स को इंटरचेंज करने से बनने वाली नंबर में से घटाया जाए, इसको माइनस किया जाए, तो आंसर आता है 45, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अभी वाली जो गलती एक चीज इसमें कर देते हैं बच्चे कि ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ माइनस का 10x यूज करेंगे, केवल माइनस का y यूज नहीं करेंगे, तो ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप नंबर्स की बात करें 2-डिजिट की तो उसको ब्रैकेट में ही लिख करके चलिए और फिर माइनस करिए। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो देखेंगे कि आप 9y
माइनस नाइन एक्स इक्वल टू 45, 9 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 9 5 45, तो 5 ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसा हुआ करेगा कि आपका 9 की इक्वेशन बना करेगी और 9 को कॉमन लेकर के वो कट भी जाया करेगा जनरली। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो इक्वेशन बनी, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है 13 और दूसरी आ गई है वाई माइनस एक्स की वैल्यू 5। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो x से x कट जाएगा, 2y की वैल्यू आएगी 18 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू जब 9 आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, तो आपकी जो वास्तव में नंबर थी जो आपने लेट की थी वो नंबर कितनी हो जाएगी, 10x plus y माना था आपने, x की वैल्यू आई है 4, तो 10 into 4 plus 9 यानी कि 49 इज योर नंबर। 49 वो नंबर है जिसका अंकों का योग 13 है और इसको अगर पलटने पर बनी संख्या 94 में से इस 49 को घटा दें तो उत्तर 45 आएगा, आप खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप आंसर को अपने को चेक भी कर सकते हैं कि जो कंडीशन दी है उनको फुलफिल कर रहा है आपका आंसर कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स व्हिच सम इज 5, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाई 9, फाइंड द नंबर। देखिए मेरी स्पीड आप लोगों को हो सकता है पढ़ाने की थोड़ा सा ज़्यादा लगे, तो आप YouTube पर इतनी फैसिलिटी है कि आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरी वीडियो को भी फास्ट करके देखेंगे तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। तो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट व्हिच सम इज 5, तो वही काम करना, लेट टू डिजिट की नंबर जो है वो क्या मानेंगे आप, 10x plus y। ठीक, और क्या कहा है क्वेश्चन ने कि उसके डिजिट का जो सम है वो 5 है, सम इज 5 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब दूसरी, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड यानी 10y plus x अगर हम कर दें तो नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9, तो जो नंबर बनता है वो 10x plus y से क्या है, 9 बड़ा है, 10x plus y से क्या है वो 9 बड़ा है, प्लस 9 कर दीजिए। यहां से इक्वेशन निकाल लीजिए आप, तो यहां से इक्वेशन आपके पास आएगी 9y माइनस के 9x इक्वल टू 9। अब देखिए 9 फिर से कॉमन आया तो y माइनस x इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा मैं यहां पर वरना क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15, तो फिर से क्या करेंगे आप, वही लेट कर लेना है, टू डिजिट नंबर कौन हुआ 10x plus y, डिजिट का सम x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग यानी 10y प्लस x, डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द गिवन नंबर। तो ये इसी तरीके का भी क्वेश्चन हो गया, 10x प्लस वाई से कितना बड़ा हो जाता है, 9 हो जाता है, तो यहाँ से फिर इक्वेशन निकाल लीजिएगा कौन सी आएगी, y माइनस x इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन 1, यही क्वेश्चन सेकंड, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू, और उस वैल्यू को वापस से कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है, ये नंबर मानी है आपने टू डिजिट की, तब जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66, क्या करना है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66, इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स। देखिए क्या कहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग यानी 10x plus y और 10y plus x, इन दोनों डिजिट का, इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है, 66 है, तो यहां से आपके पास बन जाएगा 11x plus 11y equals to 66, 11 कॉमन ले लेंगे, x plus y की वैल्यू आ जाएगी 6, इक्वेशन नंबर सेकंड कहिएगा इसको। फर्स्ट है इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2, जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर कह दीजिएगा फर्स्ट, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज दिस, तो लेट कर लीजिए कि दो नंबर हैं आपके पास x एंड y या a एंड b जो भी मानना चाहें आप, तो उनका सम ऑफ टू नंबर्स इज x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज दिस, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 256000। ठीक है, अब यहां से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x माइनस वाई x प्लस वाई हो जाएगा, दो संख्याओं पर स्क्वायर है, बीच में माइनस, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, x प्लस वाई की वैल्यू लगा देनी है 1000, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 256, इक्वेशन नंबर सेकंड, 1000 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, दो इक्वेशन आपके पास आ गए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 1000, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 256, दोनों को जोड़ दीजिए, वाई से वाई कट जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 1256, इसको सोल्व आउट कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो क्या करना है, वही 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स की जो वैल्यू है जोड़ने पर वो कितनी है 99। तो यहाँ से 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 9 इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे, जबकि डिजिट्स का डिफरेंस कितना दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, यानी 10x प्लस वाई जो है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी x प्लस वाई से। यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, तो ये बनेगा 6x और ये माइनस का 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि 10x प्लस वाई में अगर हम 18 कर दें ऐड तो बन जाता है 10y प्लस एक्स, रिवर्स हो जाते हैं उसके अंक, बदल जाते हैं। तो कितना बनेगा यहाँ से, यहाँ से बनेगा 9x माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 18। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, इक्वेशन नंबर सेकंड, एक इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, दोनों को सॉल्व करेंगे और फाइंड दी वैल्यू गेट दी आंसर। चलिए नेक्स्ट। अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो टू डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई वो 3 मोर देन है 4 टाइम्स किसके डिजिट के सम से, x प्लस वाई से। ठीक है, यहाँ से बना लीजिए, जो लिखा होता है एक्चुअली बस उसकी आपको इक्वेशन बनानी है मैथमेटिकली। अब यहाँ से वैल्यू बना लीजिए, तो 10x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4x प्लस के 4y, और यहाँ से आप इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन बनेगी 6x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 1, या तो 3 कॉमन लेके कट कर लीजिए जैसे चाहें वैसे। If 18 is added to the number, the digits are reverse, यानी कि 10x plus y में अगर हम 18 कर दें add तो numbers का जो order है वो बदल जाता है, यानी 10y plus x हो जाता है। यहाँ से equation आपके पास फिर से बनेगी, आपके पास बनेगा 9x minus के 9y equals to minus के 18, यानी कि x minus के y equals to minus का 2, equation number second। और इन दो इक्वेशनों को आप कर लेंगे सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 ये रखिए, इक्वेशन नंबर 2 ये रखिए, दोनों को कर लेंगे सॉल्व और फाइंड दी वैल्यू गेट दी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया अभी वाला, आप लोग अपने आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स ऑफ द सम, और 18 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर जो है रिवर्स हो जाती है, आप अपने आप करेंगे, मैं बस एक बार इक्वेशन बना करके लिख देता हूं कि 10x प्लस वाई में अगर 4 मोर देन करेंगे तो 6 टाइम से जो कि डिजिट का सम है, यहाँ से एक इक्वेशन बनाइएगा और दूसरा 10x प्लस वाई में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर के जो डिजिट हैं वो बदल जाएंगे, 10y प्लस एक्स बन जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनाइएगा और दोनों इक्वेशन को बना करके x एंड y के मान निकाल करके फाइंड द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट। 7 टाइम्स, 7 गुना है ये टू डिजिट नंबर का, 10x प्लस वाई का अगर हम 7 गुना करें तो वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स है अगर उसको रिवर्स कर दें तो 10y प्लस एक्स के। यहाँ से बना लीजिए एक इक्वेशन, तो 70x प्लस 7y इक्वल टू बन जाएगा 40y प्लस के 4x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 66x इक्वल टू 33y, यानी कि y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बना लीजिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये रखिए, दूसरी इक्वेशन ये रखिए, दोनों को सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग। 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 10y प्लस एक्स, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस के 9y इक्वल्स टू 20y प्लस के 2x, इसको करेंगे तो आप बनेगा 88x और ये आपका था 9y, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 11y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 8,
एक्स, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर लीजिए तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वाई इक्व टू एट एक्स आया तो 9x, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, तो आंसर क्या आएगा आपका 10x प्लस y आपने नंबर मानी है तो यानी कि 18 जो है वो नंबर आ गई, ठीक है। डिजिट का सम 9 है और ऑल्सो 9 टाइम्स अगर आप इसका करेंगे तो वो इसको रिवर्स करने पर 81 का कितना बन जाएगा, दोगुना बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x जो है वो y का कितना है 3 टाइम्स है, तो इसको पुट कर दीजिए इसी में, यही सेकेंड इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लीजिए इनको आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20, देखिए एक प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन लिया, 10x प्लस वाई अगर आपने टू डिजिट की नंबर मानी है तो उसके जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना गिवन है, x इंटू वाई इक्वल टू 20 इक्वेशन फर्स्ट, इफ 9 इज एडेड 10x प्लस वाई प्लस 9 तो नंबर के जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, 10y प्लस x हो जाता है। यहाँ से आप कैसे वैल्यू निकालेंगे इसको, तो x को इधर लेके आएंगे तो x को इधर लेके आते ही बन जाएगा 9x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनेगी और फिर यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इसी बात को बताता है कि जब जब हम डिजिट के प्रोडक्ट की बात करने लग जाएंगे तो वहां फिर क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 10x प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई का क्या है 4 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, और 10x प्लस वाई जो है वो x इंटू वाई का कितना है ट्वाइस है। अब दो इक्वेशन है यहाँ से, दोनों इक्वेशन से आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आपको लगता है कि इनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी उनको ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनको समय से ये सारी वीडियोज़ देखने को मिल सकें। यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।